हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन्स के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन था पहला मुस्लिम जो इंडिया आया और जिसने इंडिया पे अटैक किया, ठीक है। आज हमें पढ़ना है टर्किश इन्वेजन्स, कौन थे वो टर्क्स जो इंडिया आए और जिनके बारे में हम अच्छे से, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो रहते हैं हमारे महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तो देखिए, ये वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा अगर मैं दोनों को इसमें इंक्लूड करती। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो टर्क्स थे जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया, तो वो थे महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तो अब हम महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महमूद ऑफ गजनी मतलब कोई पर्सन था जिसने इंडिया पे अटैक किया होगा, लेकिन गजनी है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर आपकी बात आगे चलेगी, ठीक है। तो जो गजनी थी, ये एक स्टेट थी अफगानिस्तान में, ठीक है। और जो महमूद थे, बाय डिसेंट वो ईरानियन थे, ठीक है। उनके मदर या फादर में से कोई होगा ईरान से, तो उनका डिसेंट जो है वो ईरानियन आता है, मतलब ईरानियन उनके जो हैं वो पूर्वज थे ईरान से। सो गजनी के जो सरदार थे, जहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ना या मेन कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो थे अल्पतकीन। कुछ जगह पे इनको फाउंडर ऑफ गजनी भी बताया है, बट कुछ जगह पे इनको सिर्फ सरदार बताया है। तो फिर अगर मैं कुछ भी कह दूँ तो फिर आपके कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा है। तो देखिए, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, सब में आपको अलग अलग मिलेगा, बट जो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ, प्लस जो मेरे प्रीवियस नोट्स थे उनके थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो जो अल्पतकीन थे वो सरदार रहे हैं गजनी के, ठीक है। तो अल्पतकीन के बाद इनका कुछ खास नहीं हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बाद आते हैं सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन कौन थे? अल्पतकीन के सन इन लॉ थे, उनके स्लेव भी थे सुबुक्तगिन। ये फर्स्ट टर्किश थे टू अटैक इंडिया, पहले टर्किश जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया वो थे सुबुक्तगिन, और पहले मुस्लिम जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया वो थे मोहम्मद बिन कासिम, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, राइट। सो सुबुक्तगिन का हो गया। अब सुबुक्तगिन के बारे में भी इतना ही था इंपॉर्टेंट कि पहले टर्किश थे टू अटैक इंडिया, बट इसके बाद आते हैं इनके बेटे महमूद गजनी, ठीक है, या फिर महमूद ऑफ गजनी, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सो महमूद गजनी, देखिए हिंदी में महमूद गजनी बोलते हैं, इंग्लिश में महमूद ऑफ गजनी, मतलब गजनी के जो महमूद थे वो ऐसे कहते हैं। तो ये थे कौन? ये थे रूलर खुरासन के, व्हेन हिज फादर वॉज रूलिंग गजनी। अब जब तक सुबुक्तगिन जिंदा थे तब तक सुबुक्तगिन गजनी पे रूल करते थे, और महमूद गजनी क्या करते थे, इन्हें खुरासन का राजा बनाया हुआ था, ठीक है। ये एल्डेस्ट सन थे, मतलब सुबुक्तगिन के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। 971 AD बर्थ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जो गजनी के महमूद थे इनका बर्थ हुआ था 971 AD में, और 997 AD में ही बिकेम रूलर ऑफ गजनी, ये गजनी के राजा बने, गजनी के शासक बने, ठीक है। नाउ सुबुक्तगिन, अब थोड़ा सा सुबुक्तगिन के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। सुबुक्तगिन अटैक्ड पंजाब्स रूलर जयपाल। सुबुक्तगिन ने क्या किया, जो पंजाब के राजा थे जयपाल, उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। एंड महमूद गजनी हेल्प्ड हिज फादर, और जो महमूद गजनी थे उन्होंने अपने फादर की हेल्प की थी इस टाइम पे, ठीक है। अब हम जयपाल के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स पढ़ते हैं, किसने जी की, जो महमूद ऑफ गजनी थे उन्होंने कब कब अटैक किए इंडिया पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अटैक्ड इंडिया 17 times, 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया। इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये नहीं था कि इनको अपना एम्पायर यहाँ पे बढ़ाना है या बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करना है, इनका था लूटपाट करना, पैसा इकट्ठा करना, आभूषण ये सब यहाँ से लेकर जाना, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया पे अटैक किया टोटल 17 बार। फर्स्ट अटैक था वो हुआ 1000 AD में, सेकेंड अटैक 1001 AD में। अब जब 1001 AD में, यानी 1001 में इन्होंने जब अटैक किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे रूलर थे, मतलब इंडिया का जो पार्ट था वो वहाँ पे रूल कर रहे थे जयपाल। तो उस टाइम पे बैटल हुई महमूद ऑफ गजनी और जयपाल के बीच में। देखिए, अब हम सिर्फ महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमने प्रीवियस पढ़ा ताकि थोड़ा सा एक बेस लाइन हमारी क्रिएट हो जाए, राइट। तो जो जयपाल थे इनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद हुई, या बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं 1001 में। एक साइड थे जयपाल और दूसरी साइड थे महमूद ऑफ गजनी। ऑब्वियसली गजनी जीत गए, जयपाल हार गए। अब जयपाल को क्या हुआ, उनको बहुत शर्म सी महसूस हुई बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी, ठीक है। सो ही बर्नड हिमसेल्फ टू डेथ, उन्होंने अपने को आग जला ली क्योंकि उनको बहुत शर्मिंदगी हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई। अब उनके बाद उनके जो बेटे थे आनंद पाल, वो बने राजा, ठीक है, ही बिकेम रूलर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए हुआ क्या, जब सेकेंड अटैक किया था तो जयपाल के साथ लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था और जयपाल को हरा दिया था। अब उन्होंने सिक्स्थ अटैक किया, किसने, महमूद ऑफ गजनी ने। उस टाइम पे यहाँ पे राजा कौन थे, आनंद पाल, उन्हें हरा दिया, ही डिफीटेड आनंद पाल। और आनंद पाल ने क्या किया था, उसने अलायंस बनाया था उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली, अजमेर और इसके अलावा भी बहुत सारी जो रियासतें होती हैं उनके साथ,
ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी और आनंदपाल के बीच में जो बैटल हुई थी काफ़ी फेमस बैटल है और उसे जाना जाता है सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद या फिर बैटल ऑफ छाछ के नाम से, जो 1008 में हुई थी। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद पढ़ ली जिसे हम बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं, सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद पढ़ ली जो कि बैटल ऑफ छाछ के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेन एम क्या था महमूद ऑफ गजनी के यहाँ आने का। तो देखिए वो चीज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस कर ली है, प्लंडरिंग, लूटपाट करना, और कोई मतलब नहीं था। इनको नहीं मतलब था जैसे बाद में राजा आए ना, जैसे मुगल होते हैं, दिल्ली सल्तनत में आती हैं डायनेस्टीज़, कि हमें अपना एम्पायर बढ़ाना है, टेरिटरी को बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब 1008 की बात कर ली, अब 1009 में क्या हुआ, ही अटैक्ड कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, 7th अटैक था। और जिस टाइम महमूद ने यहाँ पे अटैक किया, गजनी ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ के राजा कौन थे, जगदीश चंद थे। ठीक है, तो अब हमने इनका 7वां अटैक भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16th अटैक। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल पे किया था, सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात काठियावाड़ में वहाँ किया था। ये है डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, शिवजी भगवान को ये समर्पित है मंदिर। ठीक है, 1025 में अटैक किया था। अब देखिए हम आगे भी महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो एक बार ढंग से पढ़ लें, जब हम नोट्स बना ही रहे हैं तो एक बार ज़रा ढंग से बना लें। यस, वन मोर थिंग, पेपर पेन साथ में रखना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपका पढ़ा पढ़ाया सब वेस्ट है, आप सब भूल जाएंगे। तो आपसे हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरी कोई भी वीडियो देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं हमेशा गूगल से और साथ में अपनी बुक से, अपने जो मेरे पहले पुराने कोचिंग के नोट्स हैं उनसे सब कुछ डेटा इकट्ठा करके अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपने नोट्स बनाती हूँ। तो इन नोट्स को बनाने में किसी नॉर्मल इंसान को 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे अलग अलग सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ। बट अगर फिर भी कहीं मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज कॉपरेट, बिकॉज मैं भी इंसान हूं यार, हो जाती है गलती, है ना। सो सोमनाथ टेंपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहली बात, डिस्ट्रॉयड 6 times, आज तक 6 बार इसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, और अब जो आज का लेटेस्ट टेंपल बना है वो 7th time बना है। ऐसे नहीं नया बना है, बट कुछ ना कुछ मुरम्मत करवानी पड़ी है। ठीक है, सो सोमनाथ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड, ठीक है, एंड द श्राइन एटर्नल, फाइन। फर्स्टली, सबसे पहले ये कब बना, बिलीव टू बी एग्जिस्टेड बिफोर द बिगनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, इन शॉर्ट हमें नहीं पता पहले कब बना, बहुत पहले बना था। सेकेंडली हम बात करें तो जो मैत्रिका किंग्स थे वल्लभी गुजरात के, उन्होंने यहाँ पे रिपेयर करवाई, इसे बनवाया। ठीक है, थर्डली हम बात करें जो प्रतिहार राजा थे उन्होंने बनवाया। फोर्थली हम बात करें किंग भोज और किंग सोलंकी ने बनवाया। ये हम पढ़ क्या रहे हैं कि पहले टूटा तो किस किस ने इसमें मुरम्मत करवाई। अब इस तरह से लोग मुरम्मत करवाते रहे, लेकिन आज की डेट में जो आप सोमनाथ टेम्पल देखते हो वो 7वीं बार बनाया गया है, राइट। कब बनाया गया था, 1 दिसंबर 1995 को, बाय द देन प्रेसिडेंट, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके थ्रू। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा सोमनाथ टेम्पल खत्म, अब हम वापस आ गए महमूद गजनी पे। ठीक है, तो इनका जो लास्ट अटैक था वो जट्टों के ऊपर था, 1027 में था, और इनकी डेथ हो गई बाद में महमूद ऑफ गजनी जो थे 1030 में। देखिए आप सोच रहे होंगे हमने सोमनाथ टेंपल क्यों पढ़ा, अगर आप मान लीजिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नायब तहसीलदार का एग्जाम है आपका, एंटी का एग्जाम है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, तो वहां पे अपने आंसर को थोड़ा और ग्लोरीफाई कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा एडिशन डाल के। ठीक है, कहीं भी जरूरी नहीं इसमें, अगर आपको कहीं भी सोमनाथ टेंपल का जिक्र हो जाता है तो आप 4 बातें उसके बारे में लिखेंगे कि 6 बार डिस्ट्रॉय किया गया, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ना भी लिख के मेन, अब जो रिसेंटली 7th time बनाया है, किसने बनाया है, कब बनाया है, तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है सबसे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पेज का कंटेंट भी हो गया कंप्लीट, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब तो हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम है ना, इसमें तो बिल्कुल टिप टॉप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये बुक किसने लिखी, ठीक है, ये हिस्टोरियन कहाँ से था, पहला मुस्लिम कौन था जिसने पुराणों को पढ़ा, ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ना वो इसमें आते हैं। ठीक है, जो हमारे क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बाकी जो हाई लेवल के होते हैं उसमें तो मैच वगैरह करने को आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो पेपर पेन जरूर साथ में रखना है, नोट्स जरूर बनाते रहना है। देखिए अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की वीडियो अपलोड की है, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज अपलोड की हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबकी वीडियोज अपलोड की हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी मैं साथ साथ में उसके हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, और अभी हमने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया है। तो अगर आप साथ साथ में सबके नोट्स बना रहे हैं तो देखिए कितना कुछ आपने सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़ लिया, वो भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो नोट्स हमेशा कहती हूँ, नोट्स हमेशा मेंटेन रखिए साथ साथ में, जो भी वीडियो अपलोड हो रही है नोट्स बनाते रहिए, चाहे शॉर्ट में बनाइए जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आपको नहीं इस तरह से पसंद तो अपने स्टाइल से बनाइए, बट नोट्स मेंटेन रखिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहला एग्जाम दिया और क्लियर हो गया, उसके लिए तो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान चाहिए।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान भी नहीं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको लक चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 एग्जाम देने पड़ेंगे, 2-3 साल लग ही जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अल-बिरूनी के बारे में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ताकीक-ए-हिंद या कहिएगा तारीख-ए-हिंद भी है और किताबुल-हिंद, ठीक है। ये बुक अरेबिक में लिखी गई है। जो अल-बिरूनी थे ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों को पढ़ा था। उज़्बेकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया से थे। इनको नॉलेज थी अरेबिक लैंग्वेज की, पर्सियन लैंग्वेज की, संस्कृत लैंग्वेज की, बट ही डिडंट नो ग्रीक। ग्रीक का इनको कोई ज़्यादा पता नहीं था। पतंजलि ने जो ग्रामर लिखा था, जो कि बेसिकली संस्कृत में लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट किया है अरेबिक में किसने, अल-बिरूनी ने, ठीक है। तो अल-बिरूनी के बारे में देखिए आपको कितना कुछ यहाँ से जानने को मिल गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने 3-4 जगह से इकट्ठी की है, एक बुक में आपको कहीं भी नहीं, आई गारंटी यू कि एक जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिल गया तो समझ लीजिए वो बेस्ट बुक है, क्योंकि ये मैंने 3-4 जगह से इतनी इन्फॉर्मेशन, 4-5 लाइनें 3-4 जगह से देखी है, ठीक है। फिर आता है फिरदौसी, पर्सियन पोइट थे, होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था। इन्होंने शाहनामा लिखा है, और शाहनामा को क्या माना जाता है, फाउंडेशन ऑफ पर्सियन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है उत्बी, उत्बी कौन थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने किताबुल यामिनी या तारीख-ए-यामिनी लिखी है। क्वेश्चन आता है तारीख-ए-हिंद किसने लिखा है, शाहनामा किसने लिखा है, होमर ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, कौन थे वो जिन्होंने पुराणों को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, फर्स्ट मुस्लिम का नाम बताइए, जो पतंजलि का ग्रामर था उसको अरेबिक में किसने ट्रांसलेट किया, किताबुल यामिनी किसने लिखी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ से आता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उत्बी हमने पढ़ लिया। अब रहला क्या है, इट इज़ नोन एज द बुक ऑफ ट्रेवल्स, ये अरेबिक में लिखी गई है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है। आपको कोई भी फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अच्छी लगी है बुरी लगी है, जैसी भी कोई फीडबैक है, कुछ अपडेशन चाहते हैं आप, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन सबके साथ जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस जिनको नोट्स मेकिंग में थोड़ा इशू है उन सबके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करें। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।